पहले पोर्टर दिखाओ ये सरपंच जी को थोड़ा बाहर बुला सकते हैं आप? अंदर ही जाना पड़ेगा। कोई नहीं, अंदर भी चले गए, पहले आए तो सही हो बाहर। तो यहाँ पर जो बैठे हैं दोस्तों, जनता उनसे हम सवाल करेंगे, कुछ कहना चाहेंगे जी? अब बोलिए, इस तरफ दिखाओ बेटे। मैं तो बस जनता से ही कहता हूँ कि हमारा टेलीविजन को वोट दे के हमारे सरपंच साहिबा श्रीमती करमजीत कौर को विजयी बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गांव के मुद्दे हैं उनके अंदर आप किस मुद्दे को बड़ा मान के चल रहे हैं? अगर जनता हमारे सरपंच साहब को अपना आशीर्वाद देती है तो मुद्दे अपने आप ही सब क्लियर हो जाएंगे। मुद्दा कौन सा बड़ा है? कोई एक बड़ा मुद्दा तो होता है ना, उसके बारे में बताएं। मुद्दा हमारी गांव की जो फिर्मी है, हमारी जो आंगनबाड़ी है, जो स्कूल है, यही मुद्दे हमारे जो हैं बहुत मतलब आगे आने वाले टाइम में यही हम सबसे पहले क्लियर करेंगे। और जो गांव की मेन एंट्री अभी भी दुरुस्त नहीं हुई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेन एंट्री का भी क्लियर हो जाएगा जब हम सरपंच, हमारी सीट आ जाएगी, उसके बाद हमारा सबसे पहला काम मेन एंट्री का ही होएगा। सबसे पहला काम आपका मेन एंट्री का होगा अगर आपकी पंचायत जीत के आती है। और अगर यहाँ पर किसी बैंक की ब्रांच खुल जाए और पोस्ट ऑफिस खुल जाए, उसके बारे में क्या विचार हैं आपके? फिर तो बढ़िया हो जाएगा, हमारे बुजुर्गों के लिए अच्छा हो जाएगा, जो पेंशन लेने मुबारकपुर जाते हैं उनको यहीं पे आसपास में ही हमारा पेंशन का काम यहीं हो जाया करेगा। ये जो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जो हमारे तीनों सरपंच हैं वो यंगस्टर हैं, तो अनुभव की कमी भी नहीं है, लेकिन अगर जीत के जो भी आता है तीनों में से, उसके लिए क्या संदेश है आपके पास? जो भी विजय होता है, जो भी जीतता है, बस वो जो हमारा गांव है जो कि बहुत पीछे जा चुका है, उसको आगे ले जाने में हमारी मदद कर सके। हम तो यही दुआ करते हैं कि जो भी सरपंच आए वो हमारे गांव को आगे बढ़ाए, उसकी तरक्की में अपना योगदान हम देता रहे। बहुत असंतुष्ट हुआ मैं आपकी बातें सुन के, और आशा करता हूँ कि आपकी जो सोच है वही सोच आने वाले सरपंच की हो, तीनों में से कोई भी जीते। लेकिन आप ज़्यादा श्रेय दे रहे हैं मनप्रीत सिंह जी को, तो मैं आशा करता हूँ कि आप उनके साथ खड़े होंगे, और जनता को सरपंच के साथ मिलकर ही चलना होगा, तभी ये मुद्दे जो हैं सुलझाए जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, और कोई बोलना चाहता है कुछ? अगर बोलना चाहता है तो आ जाए सामने भाई, बोलना चाहते हो कुलविंदर? आ जाओ, तुम तो यार डरते हो बहुत, कोई भी नहीं बोलना चाहता। अरे भाई कुछ तो बोला करो, कोई नहीं बोलता, देखिए सभी डर के भाग रहे हैं भाई, ये गलत बात है, इनकी वीडियो बनाओ लकी, कुछ तो बोलो यार। मैं सारे गांव का चक्कर लगा के आऊँ, ये एक बंदा है जो बोला है अभी तक, एक दूसरी तरफ मैंने इंटरव्यू ली थी, तो देखते हैं आए नहीं सरपंच साहब अंदर से, चलो देखते हैं, चलो आओ बेटे, आ जाओ तुम भी साथ। तो देखते हैं दोस्तों हमारे सरपंच जी बाहर आते हैं या हमें अंदर जाना पड़ेगा। आ जाओ भाई, डरते क्यों हो? तो हमारे सरपंच जी को दोस्तों बाहर बुलाना पड़ेगा, देखो भाई जाके अंदर। हाँ नहीं है नहीं सरपंच साहब यहाँ, बुलाइए बुलाइए उन्हें जरा बाहर, अंदर तो वीडियो बनेगी भी नहीं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे सरपंच साहब का घर है मनप्रीत सिंह जी का। तो भी बेटे वीडियो को रोक दो, बंद करो, क्षमा प्रार्थी हैं यहाँ पर, और आशा करते हैं कि आप हम सभी को, मुझे माफ़ कीजिए, आप सभी हमको माफ़ करेंगे अगर हमारी जुबान कहीं पे फिसल गई है। तो इस तरफ आओ बेटे, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? इस तरफ आओ बेटे। तो यहाँ पर दोस्तों बैठे हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे चाचा भाई साहब जी, तो कुछ कहना चाहेंगे जी? हाँ, हम इलेक्शन चल रहे हैं बड़े शांतिपूर्वक, सभी पार्टियाँ अपने प्रचार में लगी हैं। तो आप किस तरह से ये जो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है इसको देखते हैं इस समय? इलेक्शन में खड़े होने का सबको अधिकार है, और शांति प्रिय है जो सबका प्रचार चल रहा है। गांव के अंदर किन मुद्दों को बड़ा मानते हैं आप, जो सबसे पहले होने चाहिए काम यहाँ पर? सबसे पहले तो गांव की साफ सफाई है, आगे बोलिए, और उसके बाद नौजवानों को कहीं नौकरी नौकरी के बारे में जानकारी मिल जाए तो बढ़िया बात है। इस गांव के अंदर जो मुद्दे और भी हैं, जैसे मान लीजिए बैंक खुलना चाहिए, पोस्ट ऑफिस खुलना चाहिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री एरिया बहुत है, और इसमें जो वर्कर हैं उनको यहाँ से कई किलोमीटर दूर बैंकों में भागदौड़ करनी पड़ती है। अगर यहाँ कोई ब्रांच आ जाए तो कई गाँवों को इसका फ़ायदा मिल सकता है।
मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ आपकी बात से, और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे हमारे आसपास 5-6 गांव हैं या 4 गांव हैं, तो एक छोटे या बड़े स्तर का हॉस्पिटल बने, तो आपकी क्या राय है उसके बारे में? हॉस्पिटल तो यहाँ ऑलरेडी है पंडवाड़े में, अगर इसकी इसको कुछ बढ़ा के किया जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा गांव के लोगों को कि शांतिपूर्वक ही इस इलेक्शन को निपरे चढ़ा जाए, बिना लड़ाई झगड़े के, तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये जो हमारे साथ जुड़े थे, हमारे चाचा जी भी लगते हैं और हमारे भाई भी लगते हैं, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल के दोस्तों हमें इंटरव्यू दिया, और इनकी इन्होंने जो बातें कही हैं ठीक, उन बातों के ऊपर आप विचार विमर्श करते हुए अपनी वोट का जो है यहाँ पर प्रयोग करें 15 तारीख को। और यहाँ पर जिसके भी पक्ष में आप वोट डालते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो कामों को करने की क्षमता रखता हो। और इस वीडियो को दोस्तों अब हम यहीं समाप्त करते हैं फिलहाल, और आगे की तरफ हम चलते हैं। तो देखते हैं दोस्तों 15 तारीख को जनता किसको यहाँ पर जिताती है, और किसके सर जो है दोस्तों जीत का सहरा बनता है, और कौन गाँव को गाँव के कामों को करने की क्षमता रखता है। और आगे सत्ता में भी दोस्तों वही आप आएगा जो इस बार कामों को करेगा, क्योंकि सारे ही काम दोस्तों यहाँ पर करने वाले हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जो किया नहीं गया अभी तक, कोई काम ऐसा नहीं है जो किया गया, माफ़ कीजिए, काम सभी दोस्तों करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दो ही काम अगर मेरी निगाह में दोस्तों यहाँ पर मैं बड़े मानता हूँ तो हुए हैं, हालांकि छोटे छोटे काम भी हुए हैं, और उनके अंदर सबसे बड़ा काम जो हुआ है दोस्तों वो हुआ है पैलेस का, और दूसरा जो गलियों में दोस्तों टाइलें लगाई गई हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि बहुत ही जल्द आपसे अब मैं नंबर एक एंट्री की कवरेज में मिलता हूँ, और हम दूसरी तरफ से दोस्तों प्रस्थान करते हैं। तो मैं अपने बेटे से, अपने कैमरामैन से, अपने साथी सहयोगी से कहूँगा कि अब वीडियो को आप बंद करें और दूसरी तरफ हम चलते हैं दोस्तों।